इतना जब गंभीर आरोप लग रहा है तो इसके पीछे जाने के लिए आपको साक्ष्य तो पुलिस जुटाएगी ना। इस वक्त की बड़ी खबर बता दूं कि चांदनी डेथ केस में जो हमें जानकारी मिली है, श्रीकुंज अपार्टमेंट जो पटना सिटी में जहां पे प्रतीक जो जज हैं वो जहां रहते थे और अभी फरार चल रहे हैं। एक बड़ी खबर बता दूंगा आपको कि जो सबूत मुझे मिला है वो चौंकाने वाला है। हम चांदनी के बहन से जानेंगे कि जो सबूत मुझे मिला है अगल बगल पूरे अपार्टमेंट में जो मैंने तहकीकात किया तो मुझे बड़ा चौंकाने वाला बात बताया कि जो आपने कहा है अभी तक जो बयान में वो सीधा सीधा उन्होंने कहा है, तो मैं चौंक गया कि आखिर इतना बड़ा सबूत जब अपार्टमेंट में मुझे मिल रहा है तो फिर पुलिस सिस्टम और फिर कहाँ है, क्या कहेंगे? वही है कि वो मैं तो पहले उस जो भी कहा है जिसने ये बयान दिया है पहले तो मैं उसे थैंक यू बोलूँगी कि आपने उसमें सर्टिफाइड कर दिया कि जो हम लोग बोल रहे हैं उसका एक वर्ड भी झूठ नहीं है, वो बिल्कुल सच है और साक्ष्य है। देखिए सबसे पहले तो हम अपार्टमेंट में गए, गार्ड साहब से बात करने की कोशिश की लेकिन वो थोड़ा सा सोच में पड़ गए कि कौन है कहाँ है, तो फिर हमने बताया कि हम लोग इस केस को जानने आए हैं। फिर प्रतीक के घर पर जाने की कोशिश की तो मैंने नॉक किया तो लाइट जल रही थी, एक सर्वेलेंस कैमरा स्पेशल लगाया गया था क्योंकि डेथ होने से पहले सर्वेलेंस कैमरा जो बड़ा कैमरा होता है वो लगाया गया, उससे पहले नहीं था। लाइट जल रही थी, गेट लॉक था और उस फ्लोर में जितने भी रूम थे वो सब क्लोज थे, कोई निकलने नहीं चाह रहे थे क्योंकि सेंसिटिव मामला समझ गए हैं लोग। लेकिन अब जिनका नाम मैं नहीं ले सकता उन्होंने मुझे सारा जानकारी दिया कि उनके घर में क्या चल रहा था, वो उनके सोसाइटी में क्या कुछ उनका मतलब हालात था, वो सारा चीज़ जानकारी निकल के आया है। मेरे पास पुख्ता सबूत है तभी मैं इस तरह से बातें कर रहा हूँ और ये पुलिस सिस्टम को भी समझना चाहिए कि आखिर हमने उस चीज़ों का प्रयास जो किया है आखिर इसके पीछे ये लोग क्यों नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो सीधा मैं जो मेरे पास एविडेंस है जितनी बातें मैंने किया है इस पर मैं सीधा, आप क्या कहेंगे पुलिस सिस्टम को? मैं बस यही कहूँगी कि पुलिस वाले का काम मीडिया कर्मी कर रहे हैं तो ये तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। ये पुलिस पे सबसे बड़ा सवालिया निशान है कि ये काम मीडिया को नहीं आपको करना है, मैं पहले तो ये बताना चाहूँगी। ये पुलिस का काम है, ये मीडिया का काम नहीं है। ठीक है मीडिया तह तक पहुँच रही है, सच तक पहुँच रही है, पुलिस क्यों नहीं पहुँची, पुलिस क्यों नहीं उस घर पर गई? अगर आपके मन में चोर नहीं है तो आप क्यों नहीं पूछे जो आप ये इकट्ठा करके आए हैं इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे पुलिस लैक क्यों कर रही है, ये आप पे एक सवालिया निशान है। 301 नंबर कमरा में जज प्रतीक का रूम है, कमरा है अपार्टमेंट में। जब पूरा हम तहकीकात किए तो मुझे जानकारी जो मिला है उस पे हम सीधा आते हैं और उसके बाद चौंकाने वाली खबर ये है कि जितने भी लोग कहते हैं कि आखिर जो है जो जज प्रतीक हैं उनके पक्ष की भी बातें जानने की कोशिश कीजिए, तो लगातार हम जानने का प्रयास कर रहे हैं, उनके अपार्टमेंट तक पहुँचे लेकिन बहुत सारी चीज़ों का मुझे खुलासा मिला है और है कि आखिर सही में वो मर्डर प्लान का एंगल है लेकिन पुलिस क्यों सोई हुई है, अब ये बड़ा विषय बना हुआ है। यह है क्योंकि आप वहाँ पे अपार्टमेंट में नहीं गए हो, आपने उस अपार्टमेंट को सीज नहीं किया है, आप वहाँ पे कितने तरह का लैपी है या फॉरेंसिक जांच के लिए जा सकते थे या उसको 10 दिन का टाइम, एक क्रिमिनल को 10 डेज का टाइम देना ये खुद में एक क्राइम है कि वो साक्ष को मिटा दे, वो वहाँ से सारा जितना सबूत है मिटा दे। अगर कुछ वो छोड़ के गई होगी वो तो अब तक मिट चुका होगा। आपको इमीडिएटली एक्शन में आना था, पुलिस को इमीडिएट एक्शन लेना था कि इतना जब गंभीर आरोप लग रहा है तो इसके पीछे जाने के लिए आपको साक्ष्य तो पुलिस जुटाएगी ना। तो ऐसे में आप किसका सहारा लीजिएगा? मैं तो बस ये बोलूँगी कि अभी न्यायपालिका है, अभी हम लोग को न्यायपालिका के थ्रू, क्योंकि अभी हम लोग एक आम नागरिक के लिए यही है भाई, कॉन्स्टिट्यूशन में यही है कि एक आम आदमी के लिए जो न्याय है न्यायपालिका बनी है उस पर अभी हम लोग को भरोसा करना है। मुझे अभी थोड़ा सा पुलिस प्रशासन का यहाँ पे लूप लग रहा है और लैक लग रहा है। लगातार लोग यही कमेंट कर रहे हैं कि पुलिस कर क्या रही है क्योंकि जुडिशियल मजिस्ट्रेट है तो क्या हो गया, अभी वही समझ में नहीं आता है। जैसे हम लोग जो मूवीज़ में देखते हैं, वेब सीरीज़ में देखते हैं, एग्जैक्टली वो बिल्कुल रियल है, बिल्कुल रियलिटी आज हम लोग के साथ वही हो रहा है। हमें, हम दुख में भी हैं बट हमें पुलिस के पास दौड़ना पड़ रहा है। पुलिस एक्शन में आए, एक्शन में आए, जब तक एक्शन में आएगी वो इतना सातिर जज निकल जाएगा, वो सबूत मिटा देगा, फिर हम लोग खाक पीटते रह जाएंगे। ठीक है वी हैव एविडेंसेस कि हम लोग प्रूफ कर लेंगे और सच है तो सच का जीत होगा, बट ये प्रशासन पे एक सवाल निशान उठ जाता है कि एक आम जनता के लिए और एक जज के लिए लॉ बिल्कुल अलग। यहाँ पर बस बोला जाता है नो वन इज़ अबव द लॉ, बट यहाँ पर जब आप धरातल पर आते हो तो वो चीज़ कहीं ना कहीं लैक हो जाता है। देखिए मुझे जानकारी मिली कि इस अपार्टमेंट में जो हाउसमेट होती हैं उनसे भी बहुत सारे शख्स आपको मिल जाएंगे लेकिन हमने कोशिश किया
लेकिन वो नहीं मिल पाई। लेकिन बहुत सारी चीज़ों में जिस हद तक जानकारी था मुझे कलेक्ट हुआ है, और ऐसे में एक पड़ोसी का या उस अपार्टमेंट के लोगों का जो एक बयान होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, आपके हिसाब से क्या लगता है? बिल्कुल बिल्कुल, आप अब जब उस अपार्टमेंट में विजिट है जहाँ पे क्राइम हुआ है, जहाँ पे आप वहाँ पे पीओ बनाए हो, प्लेस ऑफ ऑकरेंस बनाए हो, आप वहाँ पे विजिट नहीं कर रहे हो, तो ये खुद में एक सवालिया निशान है कि आप वहाँ विजिट क्यों नहीं किए। वो जज इजली फरार हो गया और वो फरार है, ये सब बातें तो आप खुद सोचो, आप एक आम नागरिक सोचो कि वो जज फरार है, फरार वर्ड कहाँ से उठ गया। आप फ़ोन सर्विलांस में डाल सकते हैं, ट्रैकिंग सिस्टम है, खूब सारी टेक्नोलॉजी है, जब चाहे जब पकड़ में आ सकते हैं। आप उसको टाइम दे के क्राइम किया है, और क्रिमिनल को टाइम देना सबसे बड़ा यहाँ पे गलत है। आप क्रिमिनल को टाइम दियो, वो एविडेंसेस को मिटाएगा नहीं, वो साक्ष्य को मिटाएगा नहीं, वो वकील और ये वो, इतना टाइम क्यों दिया गया? एक आम आदमी के लिए इतना टाइम दिया जाता है क्या? यहाँ पे सब कुछ है, तो पुलिस अगर एक्शन में नहीं आएगी तो पत्रकार तो जाके वहाँ पे सीज का बोर्ड नहीं लगा सकता है ना, ये पुलिस का काम है, यहाँ पे पुलिस का पूरा लैक हो रहा है। इसी में तो आपकी बहन चांदनी के लिए बस कोर्ट ही एक दरवाज़ा है जहाँ पे कुछ रास्ता बन सकता है। बिल्कुल, एक सिस्टम के थ्रू है। अभी भी मैं बोलूँगी पुलिस प्रशासन से कि अभी भी हमें आप पे ही विश्वास करना है और आप ही के थ्रू जाना है और न्यायपालिका पे ही विश्वास करना है, तो प्लीज़ आप लोग सही से एक्शन लीजिए और निष्पक्ष जांच कीजिए। सीधा सा हम जवाब चाहेंगे कि देखिए, अपार्टमेंट में जाने के बाद जितनी चीज़ की इंक्वायरी करनी थी एक पत्रकार के तौर पर या एक मीडियाकर्मी के तौर पर हमने कोशिश किया, लेकिन आखिर पुलिस कर क्या रही है? डीएसपी साहब, एसपी साहब कहते हैं आश्वासन एश्योरेंस देने में तो काफ़ी हैं, लगातार इन्होंने मिलने का काम किया, लेकिन अभी तक एक भी इंक्वायरी नहीं हुआ, थाना पुलिस वहां पहुंच नहीं रही है, तो ये बहुत बड़ा लू एंड फॉल्स है इस केस में। और जितने दर्शक, जितने भी करोड़ों लोग जानना चाहते हैं चांदनी डेथ केस के मामले को कि आखिर जस्टिस के लिए ये लोग कितना प्रयास कर रहे हैं, जस्टिस होनी चाहिए, क्योंकि चांदनी का डेथ सिर्फ इनके लिए नहीं है, पूरे बिहार पूरे देश के लिए डेथ का विषय बना हुआ है, क्योंकि हर लोगों के घर में अपनी बेटी और बहन की शादी की बात आती है, तो ऐसे में हर लोगों के दिमाग में है कि भाई यदि इनको जस्टिस नहीं मिलेगा तो हमारी बेटी और हमारी बहन के साथ भी अन्याय होगा, इसलिए हर लोगों की निगाहों में है। और ऐसे में यदि जस्टिस नहीं करेंगे पुलिस, तो फिर समझ लीजिए अब हाई कोर्ट कोर्ट क्या कुछ करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। और भी लगातार अपडेट्स हम देंगे, खुलासा देंगे कि आखिर इस डेथ केस में असली कौन है मर्डर और इसके साजिश करने वाले कौन है, किस तरीके से किए हैं, ये बड़ा सवाल है, हम लगातार अपडेट देंगे, बने रहिए, धन्यवाद।